नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन टेक गुरु की और एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो पे। तो गाइस, IQ ने सबसे पहला स्मार्टफोन जो इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था वो था IQ 3, और अभी IQ अपना दूसरा स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर सकता है। तो जब IQ 3 लॉन्च होने वाला था उसके पहले हमें जो इस स्मार्टफोन का नाम क्या होगा वो हमें मालूम नहीं था। हालांकि 2 या फिर 3 दिन पहले हमें पता चला कि ये जो स्मार्टफोन है उसका नाम हो सकता है IQ 3, लेकिन हमें पहले से कुछ फेक्स के बारे में पता था जो कि लीक होकर निकल के आ रहा था। लेकिन इस बार जो स्मार्टफोन IQ लॉन्च कर सकता है उसका नाम भी निकल के आ रहा है, साथ ही साथ कुछ फेक्स भी है वो भी लीक होके आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे IQ का ये नया स्मार्टफोन के बारे में जो कि इंडिया पे लॉन्च हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बता दूं इसका नाम क्या हो सकता है। इसका नाम है IQ Neo 3, और अभी देखते हैं कि IQ Neo 3 में आपको ऐसा कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको देखने को मिल सकता है 6.6 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और डिस्प्ले के ऊपर आपको देखने को मिलेगा पंच होल कटआउट, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलेगा। तो जैसे कि IQ बनाता है फ्लैगशिप स्मार्टफोन, फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग स्मार्टफोन बनाता है, तो ऑब्वियसली ये भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, और उसी हिसाब से इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की 865 प्रोसेसर। इसके अलावा इसमें आपको देखने को मिल सकता है 48 MP का क्वाड कैमरा सेंसर, और 48 MP का मिलेगा आपको प्राइमरी सेंसर, उसके बाद देखने को मिलेगा टेलीफोटो लेंस, मैक्रो लेंस, और आपको देखने को मिलेगा एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। अभी कितना MP का होगा उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको जो प्राइमरी सेंसर मिलेगा वो होगा 48 MP का। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकता है 4500 या फिर 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आएगा 55 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 10 के साथ ये स्मार्टफोन आएगा, और इसमें भी आपको गेमिंग करने के लिए कुछ डेडिकेटेड फीचर देखने को मिलेगा, और ये भी एक गेमिंग स्मार्टफोन है जो कि IQ की तरफ से आएगा। तो इसमें आपको मॉन्स्टर बटन देखने को मिलेगा और कुछ अलग फीचर देखने को मिल सकता है गेमिंग करने के लिए। तो ये था IQ Neo 3 के बारे में। तो फिलहाल IQ Neo 3 के बारे में कुछ इतना ही स्पेसिफिकेशन लीक होके आ रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिन में आपको और भी ज़्यादा पता चल जाएगा IQ Neo 3 के बारे में। अभी बात करते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है उसका प्राइस कितना हो सकता है। तो अभी जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आ रहा है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस अराउंड 40,000 rupees के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। कॉन्फर्म तो कोई प्राइस नहीं है, लेकिन इसका प्राइस आपको अराउंड 40,000 rupees के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि बेस वेरिएंट होगा उसका प्राइस स्टार्ट हो सकता है 40,000 rupees से। और ये स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होगा, तो ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हो सकता है मई मंथ में, 22 या फिर 20 मई के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है चाइना के अंदर, उसके बाद इंडिया पे आ सकता है, लेकिन कोई भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन जो IQ है वो तो अपना पहला स्मार्टफोन IQ 3 लॉन्च किया है, इसके बाद हो सकता है कि IQ Neo 3 जो है स्मार्टफोन है वो भी इंडिया पे लॉन्च कर सकता है, ताकि वो उनका जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर कर पाए इंडिया पे। तो गाइस, आज का ये वीडियो बस इतना ही था जिसमें मैंने आपको बताया IQ Neo 3 के बारे में। और अभी आप बताओ कि आपको कैसा लगा IQ Neo 3 के बारे में, आपके हिसाब से ऐसा कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए IQ Neo 3 में, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर नीचे बता देना। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल इतना दोस्तों, आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा मेरी अगली वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।